हे फैमिली, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टेट्स फ्लेवर पर। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पनीर हैदराबादी। बहुत ही टेस्टी एंड इजी रेसिपी है ये। स्क्रीन पे दिखने के लिए जितना अट्रैक्टिव लग रहा है, खाने में उतना ही डिलीशियस। तो इसे देखने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रखने के लिए बिल्कुल मत भूलिए। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की ये पनीर हैदराबादी वाला रेसिपी। पनीर हैदराबादी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 500 ग्राम पनीर लेके रखी हूँ, और पनीर को थोड़ा बड़े स्लाइस में मैंने कट किया है। और आप इसकी साइज़ भी देख सकते हैं, थोड़ा थिक थोड़ी मोटे हैं, ताकि मुझे इसे फ्राई करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और ये टूटे ना। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे पीस करके भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि जल्दी बन जाए। सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लेंगे, इसलिए मैं गैस पे पैन रख दिया है। और यहाँ पे अभी ऑयल डाल रही हूँ मैं, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे ही तेल गर्म होती है, मैं यहाँ पे पनीर की स्लाइसेस डाल रही हूँ, और गैस की जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम पे है, और पनीर की जो कलर है बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड पे। 2 से 4 मिनट के बाद मैं पनीर को फ्लिप कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कलर आया है और अच्छे से फ्राई भी हो गया है। इस तरह सारी पनीर की स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। तो पनीर को मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में कट कर दिया है। आपकी पसंद से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अच्छा, और एक बात है, जब आप छोटे छोटे पीस करके पनीर को फ्राई करते हैं ना, थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए हमें गर्म पानी में डुबा के रखना पड़ता है सॉफ्टनेस के लिए। लेकिन मुझे इस स्टेज में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने बड़े स्लाइस में कट कर लिए थे और हल्का हल्का फ्राई किया है मैंने फ्रंट और बैक साइड में। देख सकते हैं पनीर बहुत सॉफ्ट है, तो इसे मैं ऐसे ही रखने दूँगी। मैंने वापस गैस पर पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो ये 3 से 4 मीडियम साइज प्याज है, जिसे मैंने रफली बड़े साइज में कट कर दिया है। अब हम प्याज के साथ साथ इसमें ऐड कर लेंगे 1 से 1.5 इंच करीब अदरक के टुकड़े, और 20 से 25 लहसुन की कलियां, और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी मिर्च 7 से 8। और ये सारी चीज़ को अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारा प्याज जो है सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज हमारी भुन गया है, सॉफ्ट होने लग गया है। अभी गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और अच्छे से ठंडा होने देते हैं। ये ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सर जार में निकाल दिया है, और अब इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी भर के धनिया के पत्ते, और इसमें हमें ऐड करेंगे 1 कटोरी भर के पुदीना के पत्ते। तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेते हैं और इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार करते हैं। ये हमारी पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर। अब इसमें ऑयल डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून करीब, और अच्छे से गर्म होने देते हैं तेल को। थोड़ी खड़े मसाला डालेंगे, जैसे 2 टुकड़े दालचीनी की, 3-4 इलायची और 1 टेबलस्पून जीरा, ये थोड़ी सी चकरी और थोड़ी लौंग और काली मिर्च। जैसे ही तेल गर्म होती है हम इसे डालेंगे और अच्छे से चटकने देते हैं जीरा को, ताकि इसका जो फ्लेवर है खड़े मसाले की तेल में आ जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो फाइन पेस्ट हमने बनाए थे, और लो फ्लेम में इसको अच्छे से भुनने देते हैं ऑयल के साथ। जब तक ये ग्रेवी बन रहा है, हमें दूसरे मसाले की तैयारी कर लेते हैं। एक हम बॉल लेंगे और उसमें 1 कटोरी फ्रेश दही डालेंगे, जो दही खट्टा ना हो बिल्कुल, और दही को अच्छे से हम बीट कर लेंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, तो ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून ये धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे, और 1 टीस्पून ये गरम मसाला। दही के साथ हम सारी स्पाइसेस जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से कर देने से क्या होता है ना, दही जो है जब हम डालेंगे ग्रेवी के साथ तो ये फटता नहीं है, तो आराम से बन जाता है और ग्रेवी टेस्टी भी लगती है। और तो इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें, हमारी ग्रेवी अच्छे से पकने लग गया है और ये तेल जो है किनारे पे छोड़ने लग गया है। तो एक बार सही से मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे जो मसाले हमने अभी दही के साथ बनाया है।
ये मसाले को भी ना हमें अच्छे से भूनना है ताकि जो स्पाइसेस की कच्चे वाले फ्लेवर है वो सही तरीके से हट जाए। तो गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखें, क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमें लो धीमी आंच में इसे भुनेंगे करीब 3 से 4 मिनट तक। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं किनारे में ना तेल छोड़ने लग गया है ये मसाले, और बहुत अच्छा कलर आ रहा है, साथ साथ खुशबू भी। तो हम एक इसमें क्या करेंगे, ये वाली जो रेसिपी है ना थोड़ा गाढ़ी बनता है, ठीक रहता है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे बस 2 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड कर रही हूँ, जो हमारे मसाले की पानी है इसको डालेंगे, फिर हम बाकी का चीज़ पनीर जो है वो सारे ऐड कर लेंगे। ये वाली रेसिपी मुझे बहुत आसान लगती है बनाने में और टेस्टी भी है, जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं मैंने फ्राइड किया हुआ पनीर जो है डाल दी है सारे, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पनीर के साथ साथ हमने यहाँ पे ऐड करनी है फ्रेश क्रीम, जो मैं यहाँ पे एक कटोरी लेके रखी हूँ, जो 5 से 6 टेबल स्पून होगी। और आप चाहे तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना उसको भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने क्रीम डाल दिया है, इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ। गैस की फ्लेम अभी भी लो पे है आप देख सकते हैं, और जो ग्रेवी है कितनी थिकनेस पे है, तो हमें इसे ऐसे ही पकाने देना है। तो अभी थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं और 2-4 मिनट वापस उसको पकने के लिए छोड़ते हैं। तो गाइज ये देखिए पनीर हैदराबादी जो है हमारे बनके तैयार हो गया है। एक बार अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे ताकि हमारे पनीर जो है टूटे ना। आप देख सकते हैं उसकी कलर के साथ साथ सच में गाइज उसकी जो फ्लेवर आ रही है ना अमेजिंग। तो अभी हम फाइनल चीज़ इसमें ऐड करेंगे जो है कस्तूरी मेथी, उसके बिना तो सब्जी आधी अधूरी होती है। कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से आती है इसमें, तो मैंने कस्तूरी मेथी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ फ्रेश धनिया के पत्ते। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं, अब इसको ढक लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद हम गर्मा गर्म प्लेटिंग करेंगे। तो गाइज आज की हमारी ये पनीर हैदराबादी बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे रोटी चपाती और चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे गार्निशिंग करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डालूंगी ऊपर, और इसके कलर आने के लिए एक जो ऑयल में ना मिर्ची के तड़का लगा के थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर, ताकि कलर आए अच्छे से। तो रेसिपी कैसे लगी आपके स्पेशल फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सर, और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रखने के लिए बिल्कुल मत भूलिए। तो गाइज मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।